75,000 की यहाँ पे डिमांड की जा रही है ओमनी वैन की, आइएगा तो और नेगोशिएट हो जाएगा, बस आप रेफरेंस दीजिए रोमिंग बर्ड का। 50,000 रुपए में आपको स्कॉर्पियो यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो ब्लैक कलर की लगी हुई है। तो हर्ष भाई क्या आस्किंग प्राइस है यहाँ पे? बिलो 48,000। दोस्तों मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हो रोमिंग बर्ड यूट्यूब चैनल। तो अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो मुझे पता है कि आप लोग भी सोच रहे हो कि इतना शाम हो गया है ना, तो मुझे पता है कि थोड़ा सा लेट से हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं शूट करना, लेकिन स्टॉक इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी कंडीशन की गाड़ी है कि अगर मैं आज शूट ना करूँ तो आप लोगों के लिए ये वीडियो लाने आऊँ तो फिर आप देख सकोगे कि यहाँ पे से बहुत सारी गाड़ियाँ निकल चुकी होंगी। तो मैंने सोचा कि यहाँ से गाड़ी ना निकल जाए, इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही शूट करते हैं यहाँ पे वीडियो, और आज भी बहुत अच्छे कंडीशन की गाड़ी लगी है। अच्छा पुराने भाई समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे आया हूँ, और नए भाई को मैं बता दूँ तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे HN ऑटोमोबाइल जो कि पड़ता है औरंगाबाद अरवल रोड पे अख्तियारपुर मोड़ के पास पालीगंज में। अभी हम लोग खड़े हैं और आप स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो, हिंडई की सेंट्रो है, यहाँ पे आप देख सकते हो मारुति सुजुकी की लोडिंग गाड़ी है। तो जो आप लोग पिकअप कर रहे थे, तो पिकअप तो नहीं लेकिन पिकअप जैसा ही एक गाड़ी आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। और भी बहुत तरह की गाड़ी होगी यहाँ पे, महिंद्रा की मैक्सिमो आप देख सकते हो, 2016 मॉडल, 17 मॉडल, 18 मॉडल, हर एक मॉडल की गाड़ी आपको दिखाई जाएगी। तो वीडियो पे आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया कलेक्शन आपके लिए आज आपका भाई लेकर आया है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं जिसमें अलग अलग डीलरशिप पे जाके अच्छी कलेक्शन आपको दिखाते रहते हैं। और आज हमें फिर से गाड़ी की इंक्वायरी देने में हेल्प करेंगे HN ऑटोमोबाइल से हर्ष भाई, तो उनका भी वेलकम करते हैं अपने चैनल पे और उनसे जानते हैं हर एक गाड़ी की डिटेल। तो हर्ष भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से, और हमारे भाइयों को एक बार हेलो कर दीजिए। हेलो, आज क्या स्टॉक में आपके खड़ी है? आज हमारा स्टॉक में चेंजिंग है, पिछली बार के मुकाबले इस बार चेंजिंग रखे हैं। बिल्कुल, इस बार हम लोड गाड़ी दिखाएंगे, नई गाड़ी है, बिल्कुल 4 मंथ यूज्ड है। फिर इसमें इस बार लो बजट में सेंट्रो दिखाएंगे, सेंट्रो भी है जी, 800 दिखाएंगे, 800 दिखाएंगे। ओके, ओमनी हर पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए भी है या फिर कमर्शियल यूज के लिए भी है। हाँ जी, उसके बाद टाटा सुमो गोल्ड दिखाएंगे, टाटा सुमो गोल्ड भी होगी और लोडिंग गाड़ी भी है, लोडिंग गाड़ी भी है। बिल्कुल, महिंद्रा की KUV100। बिल्कुल, तो महिंद्रा की KUV100 होगी और यहाँ पे ओमनी भी होगी और मारुति 800 भी। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और पहली गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। हर्ष भाई पहली गाड़ी कौन सी होगी? मारुति सुजुकी की सुपर कैरी गाड़ी है, 2020 की मॉडल है, 2020 की मॉडल। यस बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी लगी हुई है। हर्ष भाई थोड़ा सा हमें डिटेल दे देंगे इस गाड़ी के बारे में, तो हर्ष भाई इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये गाड़ी 2020 मॉडल है, मारुति सुजुकी की सुपर कैरी गाड़ी है, डीजल में गाड़ी है, डीजल में है ये गाड़ी, पर्पसली कमर्शियल यूज के लिए है, लोड के लिए। बिल्कुल, गाड़ी चली हुई है लगभग 14,000 किलोमीटर। 14,000 किलोमीटर बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें पेपर वगैरह सारा कुछ ओके? सारा पेपर ओके करा के देंगे, सारा पेपर ओके। हाँ। अच्छा ठीक है, सारा पेपर आपको ओके मिलेगा। 2020 की गाड़ी यहाँ पे आप देख सकते हो, और मारुति सुजुकी की सुपर कैरी आप देख सकते हो, टर्बो है, डीजल वेरियंट में 14,000 किलोमीटर चली हुई है। और आप अभी देख सकते हो पीछे में अभी बॉडी भी नहीं बनी हुई है, मतलब आप समझ सकते हो कितनी नई गाड़ी है। और इंटीरियर की अगर बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ऐसा तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कंडीशन वाइज आप देख लीजिए यहाँ पे, टायर की कंडीशन देख सकते हैं। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसका नीचे वाला बॉडी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे वाली टायर आप देख लीजिए, और ये रहा गाड़ी का बैक प्रोफाइल। तो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, 2020 का मॉडल है। हर्ष भाई हमें बताएंगे कि क्या डिमांड कर रहे हैं आप? सर वी आर एक्सपेक्टिंग 3 लाख। 3 लाख रुपये? बिल्कुल ठीक है, तो 3 लाख रुपये में आपको 2020। अच्छा नए में कितने की आती है नियर अबाउट? रोड पे लाते रहते ऑन रोड 6 लाख रुपए पड़ जाती है। 6 लाख रुपए? जी बिल्कुल ठीक है, तो 6 लाख रुपए पड़ जाती है। और भैया ने बता दिया है आइएगा तो ऑन टेबल नेगोशिएट हो जाएगा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थी हमारे आएंगे तो बिल्कुल नेगोशिएशन पॉसिबल है। बिल्कुल, अभी एक और भाई आए थे जो अभी टाटा की इंडिका लेकर गए, सीतामढ़ी से, सीतामढ़ी से आए थे, रोमिंग बर्ड के थ्रू ही आए थे। तो बिल्कुल रोमिंग बर्ड के थ्रू आएंगे तो वी आर नेगोशिएटिंग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत फिर नेगोशिएट हो जाएगा। अगली गाड़ी कौन सी होगी हमारी? अगली गाड़ी मारुति सुजुकी की 800 गाड़ी है, 800 सबसे लो बजट की गाड़ी है, सबसे लो बजट। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग डिटेल ले लेते हैं कि यहाँ जो HN ऑटोमोबाइल के आज स्टॉक में सबसे लो बजट की गाड़ी है उसका क्या डिमांड है। और थोड़ा सा डिटेल पहले दे दीजिए हर्ष भाई।
मारुति सुजुकी की 800 गाड़ी है, बिल्कुल एसी अवेलेबल है, 6 गियर गाड़ी है, 6 गियर है। और नॉर्मली 800 जो आती है वो 5 गियर में आती है, बल्कि गाड़ी 6 गियर गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी 2004 मॉडल है, पेपर अवेलेबल है, पेपर रजिस्ट्रेशन फिटनेस दोनों वैलिड है, बिल्कुल। गाड़ी पटना नंबर रजिस्टर्ड है, गाड़ी कंडीशन आप देख सकते हैं, ठीक है। कितना चला हुआ है ये गाड़ी? 48-50 के अप्रॉक्स चली हुई है, 48-50 के अप्रॉक्स चली हुई है, 6 गियर वाली है। और ऐसे जनरली 5 गियर में ही आते हैं हमारी 800। टायर से आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो। और फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपको सामने में दिखेगा BR1, मतलब पटना से रजिस्टर हुई है ये कार। और बाकी साइड प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो। पहले आप गाड़ी की कंडीशन देखिए, डिमांड हम लोग जान लेंगे। इंटीरियर की बात करें तो आपको, चलिए सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप इंटीरियर भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी आज की सबसे लो बजट की गाड़ी। तो हर्ष भाई, क्या आस्किंग प्राइस है यहाँ पे? Below 48,000 बिल्कुल। तो 48,000 में आपको यहाँ पे मारुति 800 मिल जाएगी HN ऑटोमोबाइल में। एड्रेस और फ़ोन नंबर अगर आपको जानना है तो आखिरी तक वीडियो को देखिए। तीसरी गाड़ी कौन सी होगी हमारी आज की? तीसरी गाड़ी होगी Hyundai की Sentro Zing 2008 मॉडल गाड़ी है। 2008 की मॉडल है Hyundai की Sentro Zing। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग पहली बार कर रहे कवर HN ऑटोमोबाइल में वीडियो, हम लोग पहली बार ये बना रहे हैं Hyundai Sentro की। हाँ, बिल्कुल। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियो बनी है, लेकिन इसकी पहली बार हम लोग बना रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हर्ष भाई। Hyundai की Sentro गाड़ी है, पटना नंबर रजिस्टर्ड है, गाड़ी 54,000 किलोमीटर चली हुई है। गाड़ी आप बैक प्रोफाइल दिखा सकते हैं कस्टमर को, बिल्कुल। तो अभी तो हम लोग सारा कुछ ही आपको दिखा देंगे। कौन से साल की है ये गाड़ी? 2008 ठीक है, 2008 की Sentro Zing। आप देख लीजिए साइड प्रोफाइल आपके सामने है, और ओरिजिनल पेंट में अभी ये गाड़ी है। हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया है कि हम लोग गाड़ी में कुछ भी एक्सटर्नल कराते नहीं है, जो ओरिजिनल कंडीशन में उसी कंडीशन में गाड़ी को दिखाते हैं। ओरिजिनल कंडीशन? हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में गाड़ी है, बिल्कुल करवाया हुआ नहीं है, कुछ कराया हुआ नहीं है। और हर्ष भाई हमेशा बोलते हैं कि हम लोग गाड़ी में कुछ नहीं कराते हैं, तो आप देख सकते हो गाड़ी का कंडीशन आप देख लीजिए। टायर से अगर किसी को देखना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगेन ये पटना रजिस्टर कार है, आप पटना से रजिस्टर हुई है हमारी। और साइड प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दिया है, बच गया हमारा इंटीरियर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट के दो विंडो आपको पावर मिल जाएंगे, बाकी आप स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग गार्ड देख सकते हो, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है। और सीट की कंडीशन की बात करें तो वो आपके सामने है, तो सब कुछ मैंने दिखा दिया है। बच गया हमारा डिमांड, तो डिमांड भी डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या आस्किंग प्राइस है भाई? 1,35,000 135,000 में। हाँ, Sentro Zing, बिल्कुल बिल्कुल। तो Sentro Zing आपको यहाँ पे पालीगंज में HN ऑटोमोबाइल में 1,35,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। किलोमीटर क्या ट्रिप है ना? 54,000 ठीक है, तो ज़्यादा चली भी नहीं हुई है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, 54,000 चली हुई है, मीटर की आप गारंटी लेते हैं? लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मीटर हमारे यहाँ किसी गाड़ी का टेम्पर नहीं कराया जाता है। अच्छा, रेयर केस में जिसमें कस्टमर हो सकता है करा के पहले से ही कराया, हाँ उस केस में हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ किसी भी गाड़ी का मीटर टैम्पर्ड नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। लास्ट वीडियो में इस चीज़ को क्लेम किया है कि हम लोग मीटर टैम्पर्ड नहीं करते, बिल्कुल। हाँ जी, तो ये चीज़ भी मैंने आपको फिर से पूछ के बता दिया नए भाइयों के लिए। पुरानी वीडियो का लिंक आपको ऊपर में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ का पहले का भी स्टॉक हमने दिखाया हुआ है। अगली गाड़ी कौन सी होगी हमारी? महिंद्रा की जित्तो गाड़ी है, 2020 की गाड़ी है। 2020 की जी भी, हाँ बिल्कुल 2020 की गाड़ी है। तो अभी हम लोग महिंद्रा की जीतो देख लेते हैं। इससे पहले भी हमने एक दिखाया है यहाँ पे मारुति सुजुकी का, आप देख सकते हो ये भी 2020 की थी। जी हाँ बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे दीजिए। ये भी 2020 की गाड़ी है। अच्छा, ये मात्र 1300 चली हुई गाड़ी है, मतलब 2020 की है ना? बिल्कुल 2020 की गाड़ी है, 2020 की है, आप देख सकते हो रेड कलर की गाड़ी है और 1300 किलोमीटर मात्र चली हुई है। टायर आप देख लीजिए, ओरिजिनल टायर पे गाड़ी खड़ी है, और देख सकते हो आपको टायर की कंडीशन से भी पता लग रहा होगा। और ओरिजिनल पेंट में आपके सामने यहाँ लगी हुई है महिंद्रा की जीतो, और इस ओर से भी आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो। ऑनरशिप तो फर्स्ट ही होगी, पूछने की बात ही नहीं है, गाड़ी है बिल्कुल। इसकी क्या आस्किंग प्राइस कर रहे हैं आप? ओनली 2,35,000। अच्छा, और नियर अबाउट ये कितने के आती है नए में? 5 लाख ठीक है, 5 लाख की नई में आती है। और आप देख सकते हो 2,35,000 रुपीज़ में यहाँ पे मिल जाएगा, और सारा पेपर वगैरह सब कुछ ओके करके मिलेगा, सारा पेपर है ना, किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने, बिल्कुल। तो किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से आप गाड़ी लेकर जाओगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमने महिंद्रा की जीतो भी दिखा दी है। तो जिसको भी पैसेंजर गाड़ी चाहिए है, जो चलाना चाहते हैं पैसेंजर लोड करके या फिर पैसेंजर को बिठा के ऐसे भाड़े में चलाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट गाड़ी, बिल्कुल। अगली गाड़ी हमारी कौन सी होगी? अगली गाड़ी टाटा की इंडिगो गाड़ी है, टाटा की इंडिगो है। तो टाटा की इंडिगो के बारे में भी हम लोग डिटेल ले लेते हैं भैया से, क्योंकि हर एक तरह की गाड़ी आपको यहाँ पे
देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हमने लोडिंग गाड़ी भी दिखाई ही दिया है और यहाँ पे सबसे सस्ती 48,000 की वो वाली थी। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा ये टाटा की इंडिगो गाड़ी है, 2013 मॉडल गाड़ी है, गाड़ी रजिस्टर्ड बाहर की अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन है, चंडीगढ़ की नंबर है, चंडीगढ़ की है। हाँ हाँ, 2013 की गाड़ी है, बट रेट इसकी बहुत मिनिमम है, मतलब बिलो वन लाख। जी हाँ, 95,000। कौन से साल का आपने बताया? 2013 का है ये। अच्छा, 2013 की यहाँ पे इंडिगो लगी हुई है और आपको बिलो 1 लाख मिल जाएगी ये गाड़ी। कंडीशन आपके सामने है और अच्छे कंडीशन में गाड़ी मुझे तो दिख रही है। टायर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो टायर की भी कंडीशन आप देख लीजिए, चेंज नहीं कराना होगा। मैं पास से आपको दिखा दूँ, साइड प्रोफाइल भी आपके सामने है। और रही बात बैक प्रोफाइल की, तो आइए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इंडिगो ECS है, चंडीगढ़ की रजिस्टर है ये। और डिमांड एक बार फिर से मैं आपको आखिरी में पूछूंगा, बाकी आप पहले गाड़ी की कंडीशन देखिए। चारों विंडो आपको पार मिलेंगे। अच्छा, स्टेयरिंग पे अगर गौर फरमाओगे तो आपको स्टेयरिंग गार्ड स्टिचिंग करा के यहाँ पे लगी हुई मिलेगी, तो उसका भी ध्यान रखा गया है। बाकी सीट से आप एक बार गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 2013 मॉडल टाटा की इंडिगो, कितने में आप हमें दे रहे हैं? 95,000, बिलो 1 लाख, 95,000। सेडान कार? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेडान कार यहाँ पे HN ऑटोमोबाइल में, वो भी टाटा की इंडिगो 2013 मॉडल आपको मिल जाएगा 95,000 रुपीज में। बैठने पे भाइयों के लिए थोड़ा बहुत नेगोशिएट होगा, रोमिंग वर्ड्स आएंगे तो बिल्कुल नेगोशिएशन पॉसिबल है। बिल्कुल, तो आइए और रेफरेंस आप दे दीजिए, आपको थोड़ा बहुत कम कर दिया जाएगा ताकि आप अपने मन पसंद दाम पे गाड़ी यहाँ से लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगली गाड़ी हर्ष भाई कौन सी होगी हमारी? मारुति सुजुकी की ओमनी वैन गाड़ी है। मारुति सुजुकी की ओमनी, तो जो लोग डिमांड करते हैं ओमनी वैन के लिए, वो भी बिहार में, तो अभी तो फिलहाल बन ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे HN ऑटोमोबाइल में लगा हुआ है, तो दिखा देते हैं आपको कि अगर आपको मन हो तो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। हर्ष भाई फिर से हमें डिटेल दीजिए इसका। ये मारुति सुजुकी की ओमनी गाड़ी है, 2006 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी की कंडीशन आप दिखा सकते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर सीट वीट सारी कुछ अच्छे कंडीशन में है। ठीक है, गाड़ी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 70,000 किलोमीटर ड्रिवन है। गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है, रिपेंट कराई हुई नहीं है। रिपेंट नहीं कराई हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल रिपेंट नहीं कराई हुई है। और बिलो लाख की गाड़ी है, बिलो लाख की ये भी। ठीक है, 1 लाख के अंदर की ये वाली ओमनी है, 2006 का मॉडल है। गाड़ी का आप देख सकते हो बाहर से कंडीशन और इंटीरियर काफ़ी लोग देखना चाहते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इंटीरियर भी आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि इंटीरियर में कोई भी कमी है। सीट से भी आप देख सकते हो, सीट की कंडीशन कहीं भी कट नहीं लगा हुआ है। पीछे वाली भी सीट आप देख लीजिए, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, स्टेयरिंग पे स्टेयरिंग गार्ड भी लगा हुआ है। 2006 मॉडल, किलोमीटर आपने क्या बताया था? किलोमीटर 70,000। जी हाँ, ठीक है। और सामने से आप गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए, कहाँ से रजिस्टर है ये? पटना ही से। BR01 पटना। हाँ, BR01 पटना से ही रजिस्टर है ये मारुति सुजुकी की ओमनी वैन। जी, आस्किंग प्राइस क्या आ रही है? बिलो 1 लाख। बिलो 1 लाख कितने की हमारे भाइयों के लिए छोड़ दी जाएगी? 75,000। ठीक है, 75,000 रुपीज में आपको ओमनी वैन यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है। तो डील पसंद आए तो आप लेकर जा सकते हो, नहीं तो बाद में ये ना कहना कि वहाँ गए थे। रोमिंग बर्ड के लिए स्पेशल नेगोशिएशन पॉसिबल है, हो जाएगा उसमें भी, 75,000 में भी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो 75,000 की यहाँ पे डिमांड की जा रही है ओमनी वैन की, आइएगा तो और नेगोशिएट हो जाएगा, बस आप रेफरेंस दीजिए रोमिंग बर्ड का। बाकी अभी हम लोग भाई भी आए, यहाँ पे आए थे सीतामढ़ी से, इन्होंने भी गाड़ी ली है। बिल्कुल यहाँ से अभी जस्ट गाड़ी ये लोग परचेज की, अभी लेकर जाएंगे। अच्छा, अब कौन सी गाड़ी होगी? महिंद्रा की KUV गाड़ी है, K8 टॉप एंड वेरिएंट गाड़ी है। KUV? हाँ, एलोविल के साथ। एलोविल के साथ में, तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि हर एक रेंज की, हर एक वैरायटी की कार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हर्ष भाई, क्या डिटेल आएगा इस गाड़ी का? ये 2020 की गाड़ी है। अच्छा, किलोमीटर लगभग 14,000 चली हुई है। 14,000? हाँ बिल्कुल। गाड़ी पटना से रजिस्टर्ड है, इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है पटना से रजिस्टर्ड। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बिल्कुल सारी पेपर ओके कराई हुई है, लोन वोन सब कुछ क्लोज है। लोन वगैरह सारा कुछ क्लोज है? क्लोज है, अपने पास जो भी गाड़ियां होती हैं वो सारी की लोन क्लोज करा के लगाई, मतलब आराम से NOC वगैरह किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने वाली है। नहीं, बिल्कुल। तो 2020 की है। अच्छा, कौन सी है ये? ये K8 है। K8 है ना? अच्छा, K8 नेक्स्ट है ये। देख लीजिए, यहाँ पे अलॉय व्हील मिलेगा आपके सामने और काफ़ी अच्छा अलॉय व्हील है, ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल अलॉय व्हील है। टायर से आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो, बाकी आप देखिए मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखा दूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा हैंडल वगैरह और पीछे से आप देख ही सकते हैं गाड़ी की कंडीशन में आपको दिखा दूँ। तो KUV 100 K8 NXT नेक्स्ट है ये। एक चीज़ हर्ष भाई, आप मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ HN ऑटोमोबाइल में तो किसी को भी एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं दी जाती है? नहीं सर,
कभी नहीं। नहीं नहीं, मैंने क्लेम लास्ट टाइम भी किया कि अपने पास एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं मिलती है। बिल्कुल। और किसी गाड़ी में थोड़ा बहुत होता है तो मैं पहले बता देता हूँ कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, बट अपने पास अभी तक तो एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं आई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और मैं आप ही लोगों के लिए पूछ लेता हूँ, क्योंकि पुराने भाई जो यहाँ का वीडियो देखे उनको पता है, हर्ष भाई ने पहले भी बताया, लेकिन चलिए आपके लिए मैं पूछ लेता हूँ हमेशा ही, कि आप लोग सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। ठीक है, आप इसकी क्या आस्किंग प्राइस कर रहे हैं? 10 लाख की गाड़ी है आपको, 5,20,000 आप 20 में रेडी है तो हम दे देंगे 20। चलिए ठीक है, तो मतलब चलिए 5,20,000 में आपको यहाँ से मिल जाएगी। 10 लाख रुपए की गाड़ी है और 2020 की गाड़ी है। 2020 की गाड़ी है। तो ये बात हुई KUV 100 Kate नेक्स्ट की। तो अगली गाड़ी हमारी होगी महिंद्रा स्कॉर्पियो, है ना? जी हाँ, महिंद्रा की स्कॉर्पियो गाड़ी है। बिल्कुल, महिंद्रा की स्कॉर्पियो गाड़ी, वो भी ब्लैक कलर की। हर्ष भाई थोड़ा सा आप हमें डिटेल दे दीजिएगा इस गाड़ी का। महिंद्रा की स्कॉर्पियो गाड़ी है, 2009 मॉडल गाड़ी है। अच्छा, BR25 गया से, मैं जहानाबाद से रजिस्ट्रेशन है इसकी। जहानाबाद से? हाँ हाँ। गाड़ी की आप बैक प्रोफाइल दिखा सकते हैं, टायर की कंडीशन बिल्कुल नहीं है। गाड़ी 95,000 किलोमीटर चली हुई है। 95,000 किलोमीटर चली हुई है। कौन से साल का आपने बताया? 2009 का है। ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कौन सी है, VLX है ये? नहीं नहीं, ये गाड़ी M2DI है। M2DI इंजन, जी हाँ, सबसे लो मेंटेनेंस इंजन है, सबसे लो मेंटेनेंस, और माइलेज भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी भी ये गाड़ी 13-14 की माइलेज देती है। 13-14, ठीक है, 13-14 की आपको माइलेज भी मिलेगी। आप देख लीजिए, आपको टायर तो बिल्कुल नहीं चेंज कराने हैं। बॉडी का प्रोफाइल ओरिजिनल पेंट में गाड़ी खड़ी है। हाँ, है ना? ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। बिल्कुल ओरिजिनल पेंट में गाड़ी खड़ी है। आप देख सकते हो यहाँ पे डोर वाइजर भी आपको मिल जाएगा, और पीछे वाली भी टायर आपको मैं दिखा दूँ। बैक प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे M2DI आपको दिख रहा होगा। बाकी इंटीरियर की हम लोग बात करें तो आइए आपको इंटीरियर मैं दिखा देता हूँ। तो सारा कुछ आप देख लीजिए, गाड़ी का इंटीरियर मैं आपको दिखा दूँ। तो स्कॉर्पियो है ये, M2DI इंजन, 90,000 किलोमीटर चली हुई है। सामने से आप गाड़ी को देख सकते हो, BR25 जहानाबाद का नंबर है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो M2DI। क्या आस्किंग प्राइस है इसकी? 3,50,000। 3,50,000 में स्कॉर्पियो? बिल्कुल ठीक है। तो 3,50,000 रुपये में आपको स्कॉर्पियो यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो ब्लैक कलर की लगी हुई है। डील पसंद है, आप लेकर जाइए। अब थोड़ी सी हम लोग सवारी गाड़ी दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी बड़ी गाड़ी हमने दिखा दी है, तो सवारी गाड़ी की बारी अब आ गई है। और यहाँ पे लगा रहता है, आप देख भी सकते हो पीछे में बहुत सारी आपको दिख जाएगी। कौन से स्टार्ट करें हम लोग? किसी से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। पीला कलर है, स्कूल के लिए पर्पसली लोग यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पीला कलर ऐसा कुछ है नहीं स्कूल के लिए, स्कूल के लिए जो ज्यादा पर्पसली यूज करते हैं। एक्चुअली पैसेंजर में भी चलेगा। ये भी गाड़ी है, व्हाइट कलर में है, मैक्सिमो ही है। बिल्कुल, तो तीनों मैक्सिमम ही? हाँ बिल्कुल मैक्सिमो है, वो भी 2017 मॉडल है। ये गाड़ी 2017 की है, ये गाड़ी 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल, हाँ। इधर भी मैक्सिमो खड़ी है, ये भी 2018 की मैक्सिमो। इधर भी देख सकते हो, इधर भी मैक्सिमो लगी हुई है। यहाँ से आप एक एक करके डिटेल दे दीजिए। ये गाड़ी 2018 की गाड़ी है। अच्छा, मैं जहानाबाद की रजिस्ट्रेशन है, BR25 जहानाबाद की रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल, गाड़ी 4850 की अप्रॉक्स चली हुई है। 4850, ओके। ये गाड़ी आस्किंग है 1,60,000। 1,60,000 बस। आप देख लीजिए यहाँ पे महिंद्रा की मैक्सिमो लगी हुई है, 1,60,000 में आपको मिल जाएगा। और 2018 की गाड़ी है। स्पेस कम है तो मैं आपको दिखा नहीं सकूंगा ज़्यादा करीब से, लेकिन आप देख सकते हो गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल भी आप देखिएगा तो ओरिजिनल पेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में लगी हुई है। येलो कलर की है। 2018 मॉडल की बात हो गई हर्ष भाई, 2016 की गाड़ी है। 16 की है? हाँ। अच्छा, ये GH नंबर है, झारखंड की रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल, गाड़ी 08। हाँ हाँ, झारखंड की रजिस्ट्रेशन है। पैसेंजर के लिए गाड़ी है, पैसेंजर के लिए लोग चला सकते हैं ये गाड़ी। अगर रोमिंग बट के थ्रू आएंगे तो 130 में छोड़ देंगे। 1,00,000 ऐसे 150 का आस्किंग प्राइस है। अच्छा, लेकिन रोमिंग बट के लिए हमेशा नेगोशिएशन यहाँ हुआ है तो इस बार भी होगा। चलिए ठीक है, तो 1,30,000 में यहाँ पे महिंद्रा का मैक्सिमो छोड़ दिया जाएगा। आप देख सकते हो 2016 की गाड़ी है। इंटीरियर वगैरह सब कुछ आप देख लीजिए, नीट एंड क्लीन आपको मिलेगी। पीछे से भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दूं। तो अगर आप लेकर जाना चाहते हैं इस गाड़ी को तो 1,30,000 मात्र आपको देने पड़ेंगे। अगली महिंद्रा मैक्सिमो,
ये 2017 की महिंद्रा की मैक्सिमो गाड़ी है, BR21 बिहार शरीफ की रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल, ये भी गाड़ी टॉप एंड मतलब मैक्सिमम ये टॉप मॉडल है, क्योंकि इसकी जो बीच की डोर होती है वो स्लाइडिंग वाली होती है। स्लाइडिंग वाली है। हाँ, अच्छा ठीक है। ये BR21 से रजिस्ट्रेशन है बिहार शरीफ से। गाड़ी 60,000 के अप्रोक्स चली हुई है। ठीक है। हाँ, इसकी आस्किंग प्राइस 1,25,000 है, लेकिन रोमिंग वेट के लिए पहले ही नेगोशिएशन हो जाता है। बिल्कुल, तो कोई पता है। हाँ जी, तो 2017 की यहाँ पे महिंद्रा की मैक्सिमो आप देख सकते हो 1,25,000 की आस्किंग प्राइस की जा रही है। आप देख सकते हो बॉडी वगैरह से मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, पीछे वाली अगर सीट की बात करें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सारा कुछ आप लोग देख लीजिए, पसंद आए गाड़ी तो आप लेकर जाइए। रेट आप सुन ही रहे हैं, आपको भी समझ रहा हो कि अच्छे रेट में यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे तीन मैक्सिमो दिखा दिया, एक और बची हुई है, इसको भी कवर कर लेते हैं। कवर करना जरूरी है। बिल्कुल, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये 2018 मॉडल मैक्सिमो है। अच्छा? BR03 आरा भोजपुर की रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। गाड़ी 26,000 चली हुई है। टायर वायर की कंडीशन सब बढ़िया है गाड़ी की, और पैसेंजर के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमो को, इसलिए हम लोग मैक्सिमो रखते हैं। मैक्सिमो की डिमांड है पैसेंजर वान के लिए, स्कूल में पैसेंजर के लिए, रोड के लिए, तो इसलिए हम मैक्सिमो रखते हैं अच्छे खासे रेंज में। हाँ जी। ये गाड़ी 1,85,000 में हम कस्टमर को छोड़ देंगे। 1,85,000 में। कौन से साल का आपने बताया? 2018। बिल्कुल, 2018 2018 की गाड़ी है। आप देख सकते हो महिंद्रा की मैक्सिमो 1,85,000 रुपीज में आपको यहाँ से छोड़ दी जाएगी। सारा आपको अगर टायर वगैरह भी देखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये आपको गाड़ी 1,85,000 रुपीज में, और डिस्काउंट तो हो ही जाना है। बिल्कुल होगा। बिल्कुल। हाँ जी, रोमिंग बजट के थ्रू आएंगे तो स्पेशली डिस्काउंट किया जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो हर्ष भाई हमेशा ही आपको बोल रहे हैं ताकि आप आइए और रेफरेंस दीजिए और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए। बिल्कुल, है ना। तो ये थी हमारी आज की आखिरी गाड़ी। जी हाँ, और भी लोग चाहेंगे गाड़ियों के लिए तो हमारे पास गाड़ियाँ, आपको मैंने पहले ही बताया है कि स्कॉर्पियो बोलेरो या कोई भी गाड़ी बहुत ज़्यादा हमारी रुकती नहीं है। गाड़ी बहुत जल्दी निकल जाती है, बहुत जल्दी। बस दो दिन के गैप में ट्रैक्टर चूक चुकी है, दो ट्रैक्टर चूक गई है एक्चुअली से। और भी जो भी गाड़ियाँ डिमांड होगी कस्टमर की वो हम प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी प्रोवाइड करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी चीज़ हर्ष भाई ने आपको बता दिया कि कोई भी आपको गाड़ी चाहिए हो तो हर्ष भाई यहाँ से अवेलेबल करा देंगे। लेकिन हाँ, जब अवेलेबल हो तो आप जल्दी लेकर चले जाइए, क्योंकि रुकती नहीं है। एक्चुअली में अभी हम लोग ट्रैक्टर का भी सूट यहाँ पे करने वाले थे, लेकिन आपके आने के पहले वो गाड़ी निकल गई। बिल्कुल, की कमिटमेंट थी, और ये बीच का जो भी तीन दिन का गैप हुआ गाड़ी निकल गई पास से। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी आपको ध्यान देनी होगी कि अगर गाड़ी पसंद आ रही है तो आप ये ना कि देख के चले गए, ऐसा नहीं। टोकन कर लेंगे हम, गाड़ी रोक लेंगे, टोकन पे वैल्यू होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक रुपए की वैल्यू है तो टोकन होता है। हाँ जी, तो ये चीज आपको बता दी जा रही है। और अभी आपको अगर गाड़ी लेनी है तो एड्रेस जानना जरूरी है, तो हर्ष भाई हमें बता देंगे कि HN ऑटोमोबाइल हमारे बिहार में कहाँ पे है। पालीगंज में है, पटना औरंगाबाद मेन रोड पे। अच्छा? है पालीगंज बाजार से 400 मीटर आगे। हाँ जी? अरवल रोड में बढ़ेंगे तो 400 मीटर आगे अख्तियारपुर मोड़ के ठीक सामने। अख्तियारपुर मोड़ के ठीक सामने। हाँ, ऐसे लोग गूगल पे भी सर्च मार लेंगे HN ऑटोमोबाइल पालीगंज, तो उसमें भी डायरेक्शन का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्शन दिखा देगा। बिल्कुल, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंच जाइएगा। वैसे भी आप गूगल मैप पे सर्च कर लीजिएगा HN ऑटोमोबाइल तो यहाँ का आ जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी चीज बता दिया हर्ष भाई ने, तो हर्ष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता सकते हो अपने भाई को कि कैसी लगी आपको वीडियो, पर मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि उसी से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज हम लोग लेकर आते हैं जहाँ पे बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आपको अलग अलग डीलरशिप पे जाकर मैं आपको दिखाते रहता हूँ। बाकी आपको HN ऑटोमोबाइल का कलेक्शन कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लगा और लेना चाहते हो आप गाड़ी तो यहाँ का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हर्ष भाई ने आपको बता ही दिया है। फोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करके यहाँ पे आ सकते हो और अपनी मनपसंद गाड़ी को यहाँ से लेकर जा सकते हो। तो बस यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।